नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। सो वी आर सॉल्विंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MHT CET। देखिए फर्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पे प्रस्तुत है। गिव अ ट्राई, कोशिश करिए, देखिए आंसर आ रहा है क्या। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। गिव अ ट्राई दोस्तों, देखिए आ रहा है क्या आपको करना। एंड लेट्स सी कौन कर पाता है इसको सॉल्व। डू लेट मी नो आंसर इन द कमेंट सेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल इट एज अ सब्सटीट्यूशन क्वेश्चन, क्योंकि सब्सटीट्यूशन के द्वारा ही ये सॉल्व होने वाला है। सो इफ़ यू राइट इट एज y इक्वल्स टू sec इनवर्स, सो वी कैन राइट इट एज cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। सही है कि गलत है, सोच के बताओ एक बारी। सो दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, राइट? सही है, गुड, बढ़िया, ऑसम। सो क्या रख सकते हैं हम लोग? एक्स को, एक्स को आप रख दो कॉस थीटा। सो देयरफॉर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स विल बी थीटा। सो we would like to call it as y equals to cos inverse of 2 cos square theta minus 1, which is nothing but cos 2 theta, और cancellation हो जाएंगे यहाँ पे। तो y equals to 2 theta, theta can be replaced as what? cos inverse of x. so derivative ले लो, b is the correct answer. so kids please have a note of it. इट्स सच अ गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए जल्दी से। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबर, MHT CET की प्रिपरेशन हुई अब आसान। आप टॉप कॉलेजेस के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम आपकी तैयारी को इम्प्रूव करने के लिए लाए हैं एक बेस्ट कोर्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बता दूं, Unacademy विच इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, आपका ड्रीम अचीव करने में हेल्प करेगी। COEP, VJETI जैसे टॉप कॉलेजेस और ड्रीम कॉलेजेस अब आप अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Unacademy कोर्सेज। दोस्तों प्राइसेस काफ़ी जो है, अगर आप देखेंगे रीजनेबल रखे गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें। आपको क्रैश कोर्सेज प्रोवाइड करे जाएंगे, रेगुलर स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज दी जाएंगी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ इन्हें अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो, आप जितने बार चाहो देख सकते हो। डियर स्टूडेंट, इस कोर्स में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड क्लासेस एंड देन क्रैश कोर्सेज। बच्चों एक और चीज़ आप ख्याल में रखिए, इस कूपन कोड को ज़रूर यूज़ करें MANDHM और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ इस एक ही पैकेज में आपको मिलने वाला है लक्ष्य बैच भी, जिसके लिए आपको एडिशनली पे नहीं करना। बच्चों इसी कोर्स में आपको लक्ष्य बैच भी मिलेगा, जिसमें महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे। बच्चों नीचे हेल्पलाइन नंबर भी है, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए। दैट इज़ 8585 5 बार, ठीक है, 8585858585। तो बच्चों सारे बैचेस जो रहेंगे स्ट्रक्चर्ड रहेंगे, सिलेबस का क्विक रिवीजन कराया जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट दी जाएगी और रिकॉर्डेड कंटेंट आप अनलिमिटेड बार देख सकते हो। 5 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो चुकी है। सो दिस इज द लक्ष्य बैच विच इज इंक्लूडेड इन दी पैकेज। ऑल्सो वी विल प्रोवाइड द फुल लेंथ टेस्ट, दिस इज द वेरी 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 बिग एडवांटेज। दोस्तों देवी और सज्जनों, फुल लेंथ टेस्ट के द्वारा आप अपनी एग्जाम को एग्जैक्टली फील कर पाओगे। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं, आपको जो मिलेगा इसका डिटेल्ड एनालिसिस भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस डिटेल्ड एनालिसिस के द्वारा आपको पता चलेगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। तो आप अपनी वीकनेस को इम्प्रूव कर सकते हो, उस टॉपिक के रिलेटेड आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, लाइव क्लासेस देख सकते हो। ऑल्सो आपको परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली दिखेगा, क्योंकि अगर आप जैसे जैसे टेस्ट देते जाओगे वैसे वैसे आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे पता चलते जाएगा। ऐसे कैसा होता है, आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो, उसका आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग नहीं मिलता है। सो दिस इज द रियली बिग थिंग। ऑल्सो इफ आई लाइक टू टॉक अबाउट द प्राइसिंग, देखिए 3000 यहाँ पे आपको प्राइसिंग दिख रही है, पर अगर आप 20 मार्च के पहले एनरोल करते हैं तो आपको दिखेगा 2439, तो राउंड ऑफ 2400। पर यहीं तक बात नहीं रुकती, मेरे स्टूडेंट के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट है विद द हेल्प ऑफ कूपन कोड मंधान। तो देवी और सज्जनों, दिस इज अ वेरी 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 बिग अपॉर्चुनिटी। आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो, इतनी कॉस्ट पे आपको बुक्स मिलेगी बच्चों, इतनी कॉस्ट का आपको पेट्रोल लग जाएगा। ऑफलाइन की फीस अराउंड 20 से 25 हज़ार है, पर ये मेरा दावा ही नहीं, मेरा वादा है बच्चों, सारे बेस्ट एजुकेटर आपको इतने रीजनेबल प्राइस पे मिले, ये काफी मुश्किल होता है। साथ ही साथ प्राइस रीजनेबल होने के बावजूद आपको जो एजुकेटर मिलेंगे काफी बेस्ट क्वालिटी के मिलेंगे। मैं आप सभी को बता दूं, मैं भी पर्सनली वहां पे आपके लिए 30 स्पेशल क्लासेस लेने वाला हूं फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। वी विल एक्सटेंड इट एज वेल, अगर एग्जाम पोस्टपोन होती है तो ये लेक्चर्स होते रहेंगे। सो दोस्तों, देर किस बात की, अभी इस अपॉर्चुनिटी में हिस्सा ले, अभी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, और अपनी सक्सेस को एंश्योर करें। अब ड्रीम कॉलेज आपको मिल के ही रहेगा। Now the dream college can become reality. You are just one step away. अभी enroll करें by the link in the description. Also you can use the coupon code Mandhan to get 10% additional discount. Next question आपके सामने स्क्रीन पे प्रस्तुत किया जा चुका है। देखिए, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन करे थे वो भी काफ़ी कमाल थे, बट ये रहा आपके सामने अगला सवाल। देखते हैं कौन इसको कर पाता है। Do let me know answer in the comment section. Your time starts now. देखते हैं कौन कर पाता है इसको। Let's do it. चेक करते हैं कमेंट में कौन कर पाता है, बट थोड़ा सा फटाफट करिए। चलो मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ यहाँ पे। अगर आप कॉस थीटा को कॉस एक्स को अगर आप टी ले लोगे, ये सॉल्व हो जाएगा। बताऊँ कैसे? इफ़ यू टेक कॉस एक्स एज टी, डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स। टी वुड बी डी टी अपॉन डी एक्स, सो साइन एक्स डी एक्स कैन बी रिटर्न एज माइनस डी टी। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी टी इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर इज 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए अकॉर्डिंग टू फार्मूला। सो साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बाई 2 विथ अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि देखो मैं एक सीन आपको समझाता हूँ। ये माइनस था, साइन में ही पॉजिटिव आएगा। बराबर बराबर बराबर, साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ओके, तो नेगेटिव आना चाहिए है ना, और ये 2 भी मिसिंग है। हाँ, ये रहा, डी इज़ द करेक्ट आंसर है ना। डी में हमको दिख गया। प्लीज़ हैव अ नोट ऑफ इट, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो 3, 2, 1 गो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग। सो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये वर्ड डिनोट करता है डेरिवेटिव को, ठीक है। उनका कहना है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सो डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम। अब ये समय के साथ इंक्रीज हो रहा है ना, राइट right? द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया ऑफ अ बलून एट अ इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। ओके, गुड गुड गुड। अच्छा पैरामीटर देखो सारे, ये देखो सेंटीमीटर और मिनट है, इधर भी सेंटीमीटर और मिनट है, तो इतना कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ओके ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून, यहाँ पे आ गया प्रश्न चिन्ह। सो गाइस वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 4/3 pi r cube, so that is 4/3 pi, तो pi r cube आ जाएगा 3r square, but ये x था क्या, नहीं था। अच्छा और आगे क्या कर सकते हैं, एनी गैस? तो चलो चलते हैं जिंदगी में तरक्की करते हैं। सरफेस एरिया कितनी होती है मुझे बताओ, 4 pi r square, बेसिकली कितना आ जाएगा फिर, सरफेस एरिया इज 4 pi r square का 2r dr/dt। दोस्तों यहाँ से हम dr/dt निकाल सकते हैं, यहाँ से 4 आ जाएगा टेंजा, 3 ने 3 को देखा और कैंसिलेशन कर दिया, सो dr/dt इज नथिंग बट 10/pi r square, दैट इज 8 pi r, और इधर आ जाएगा 10 pi r square। तो कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं और हम वो करते हैं, 80/r आ रहा है, राइट, 80/r इज द आंसर, और रेडियस इन्होंने 8 दे रखी है, तो 80/8 मतलब 10 10 10 10। सी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, जल्दी से लिख लो। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, ट्राई टू सॉल्व दिस, योर टाइम स्टार्ट नाउ।